और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारी फूल गोभी की नर्सरी। यहाँ पर दोस्तों अभी हम हमारे फार्म में आ चुके हैं और यहाँ पर सारे एनिमल्स आराम कर रहे हैं, इधर देख सकते हो। और यहाँ पर भी इधर देख सकते हो आप, यहाँ पर भैंसों को चराने के लिए छोड़ रहे हैं। और दोस्तों मैंने जैसे कि ये क्लिप की वीडियो बनाई थी दोस्तों, इस पर 1K व्यूज़ हो चुके हैं। और फिर देख सकते हो इन्हें भी छोड़ते हैं जल्दी से। और इधर इसे भी छोड़ते हैं। ये बहुत मस्ती कर रहा है तो इसलिए छोड़ने में दिक्कत हो रही है। दोस्तों इधर हमारी आप भैंसों को भी देख सकते हो, यहाँ पर चराने के लिए लाए हैं इधर। और हमारा खेत भी इधर साइड में है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर जो हमारी फूल गोभी की नर्सरी थी, जो रोपा था, उसको अब खेत से निकाल के दूसरे खेत में लगा रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर एक खुफिया रास्ता भी बताऊंगा जहाँ से सिर्फ मैं अंदर जाता हूँ। तो इधर है हमारा खेत और ये है मेरा खुफिया रास्ता, और यहाँ से मैं अंदर जाकर दिखाता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हो ये इतना बड़ा हो चुका है अभी, और यहाँ पर सब ये है, और यहाँ पर सब उसे खेत से निकालने के बाद इस टब के अंदर रख के ले जा रहे हैं। दोस्तों इधर आप हमारी मक्का भी देख सकते हो, मक्का के ऊपर भी फूल आ चुके हैं। और जो हमारी इधर चरी की मक्का थी दोस्तों, उसकी भी कटिंग स्टार्ट कर दी है। आप देख सकते हो मक्का की हाइट कितनी हो चुकी है अभी। जो इधर की मक्का थी इसकी कटिंग भी स्टार्ट कर दी है। और देख सकते हो हल्दी इधर, यहाँ से इतनी मक्का काट ली है। और हल्दी में भी अब दोस्तों आप जो हमारी हल्दी देख रहे हो ये एकदम ऑर्गेनिक है, इसके अंदर हमने वर्मी कंपोस्ट डाला था और उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं डाला। और अभी आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो इधर बारिश भी आना स्टार्ट हो चुकी है। बारिश के कारण मोबाइल का कैमरा ब्लर हो गया था अभी। और अभी हम फार्म पे जा रहे हैं हमारे, क्योंकि यहाँ पर बारिश आना स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम गाय को और सारे एनिमल्स को पानी बताएंगे। इसे तो नहीं पीना है अब। तो अब बारिश तेज हो चुकी है इसलिए भैंसों को भी अब बांध देते हैं। चलिए इनको ले चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो भैंसों को भी मक्का काट के डाल दिए यहाँ पर। तो ये देख सकते हो यहाँ पर गोभी लगाने का काम चल रहा है, और ये यहाँ पर आज लगाई थी, और जो कल लगाई थी तो पानी आया था रात को, तो उसकी जड़ को मिट्टी लग चुकी है। अभी इतनी गोभी लगी है, बाकी इतनी बाकी है अभी।